इन्होंने जो खाते खुलवाए थे उस खातों में कितने पैसे आ गए पहले ये बता दें, और जिस मंच पर खड़े होकर जिस माइक से ये भाषण दे रहे हैं वो माइक, वो मंच, वो सोशल मीडिया, वो सूचना क्रांति, ये कांग्रेस की ही देन है। ये नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए। उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी तो याद रहते हैं, लेकिन खुद के वादे क्यों याद नहीं रहते? कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? किस तरीके से उन्होंने कहा था पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान को लव लेटर लिखने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी। ये कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पुलवामा में हमारे 40 सैनिक मारे जाते हैं, आतंकवाद खत्म हुआ? साधारण बोलचाल की भाषा में जी लगाना या नहीं लगाना ये अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को चिट्ठियां लिखना, वहां जाकर बिरयानी खाकर आना, शॉल और साड़ी गिफ्ट देकर आना, ये कौन सी विदेशी नीति के तहत आता है? पहले मुझे इसका मैं इसका जवाब जब दूंगी, जब पहले नहीं, एक मिनट, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि पुलवामा की घटना के बाद जो स्ट्राइक हुई, मैं अपने देश के वीर सैनिकों का सम्मान करती हूँ, लेकिन उस स्ट्राइक में जितने पाकिस्तानी, जितने निकम्मे और नामर्द पाकिस्तानी मारे गए, उनकी लाशें कहाँ हैं? पहले वो लाशें नरेंद्र मोदी इस देश को दिखाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए था, आप वहाँ के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हो, पाकिस्तान डे की बधाई दे रहे हो, ये कौन सा? मुझे अपनी देश की सेना पर पूरा विश्वास है, लेकिन नरेंद्र मोदी के झूठ पर मुझे विश्वास नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 70% गरीबी थी, और यूपीए की सरकार के समय वो 22% रह गई है। अब जो परिवार 6000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, उन्हें 6000 रुपए महीना यानी कि 72000 प्रति वर्ष देकर इस देश की गरीबी को पूरी तरीके से निपटाने का और खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, और गरीबों के खाते में महिला सदस्य के नाम से पैसा पहुंचे।